लोग अक्सर जानना चाहते हैं कि क्या वजह है जो शाहरुख खान और अजय देवगन ने कभी साथ में कोई फिल्म नहीं की। सच ये है कि दोनों ने करियर के शुरुआती दिनों में एक फिल्म साथ साथ साइन की थी, मगर फिर ऐसे हालात बने थे कि वो साथ काम नहीं कर पाए थे। फिर शाहरुख ने अजय देवगन के साथ पान मसाला कंपनी विमल के लिए एड किया है। हालांकि एड देखने के बाद लोग शाहरुख को जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। शाहरुख और अजय देवगन की जोड़ी को सालों बाद टीवी पर देखा गया है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि लोगों का कहना है कि शाहरुख खान के ब्रांड वैल्यू पहले से कम हुआ है और यही वजह है कि अब वो पान मसाला कंपनी के लिए भी एड बना रहे हैं। इस एड से जुड़ी कई मीम्स अब सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। दीपशिखा नागपाल का कहना है कि फिल्म मेकर राकेश रोशन ने फिल्म करण अर्जुन में किरदार निभाने से इनकार करने पर उन्हें एक बार ताना मारा था। दीपशिखा का कहना है कि मैंने जब कॉलेज की पढ़ाई खत्म की थी तब राकेश रोशन ने मुझे करण अर्जुन में ममता कुलकर्णी का किरदार ऑफर किया था। तब मेरी फिल्मों में काम करने की कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त वो किरदार करने से मना कर दिया क्योंकि मेरी बहन बतौर अभिनेत्री फिल्म जगत में आना चाहती थी और मुझे उम्मीद थी कि अगर मैं इस किरदार के लिए मना कर सकती हूँ उसे वो किरदार दे देंगे, लेकिन कद काठी के कारण उसे वो किरदार नहीं मिला। कुछ साल बाद जब उन्होंने एक टेलीविजन शो में काम शुरू किया तब रोशन उनसे मिले। दीपशिखा ने कहा, उन्होंने करण अर्जुन में किरदार निभाने से मना करने के लिए मुझे ताना मारा। सलमान खान और शाहरुख खान स्टारर फिल्म करण अर्जुन की थिएटर स्क्रीनिंग के दौरान कुछ लोगों ने सीटों को आग लगा दी, जिससे फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन काफी नाराज थे। उनका कहना है कि उनकी इजाजत के बिना फिल्म रिलीज कैसे हो सकती है। राकेश रोशन का कहना है, मेरी इजाजत के बिना थिएटर के अंदर फिल्म की कॉपी कैसे गई? मेरे पास करण अर्जुन के राइट्स है, मुझे शौक लगा कि मेरा ऑफिस इस मुद्दे पर एक्शन ले रहा है। वहीं थिएटर के ओनर शेख शफीक ने मीडिया से बातचीत में कहा, मालेगांव में सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्म देखकर लोग पागल हो जाते। इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, सिर्फ हमारे थिएटर में नहीं बल्कि और भी कई थिएटर्स में ऐसा होता है और इसी के चलते पुलिस भी आती जाती रहती है। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं।